सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एकदम आर्ट की आवश्यकता से, सो साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं मकरम झूमर, और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए पिंक कलर की कोट, ग्रीन कलर की कोट, लाइटर, सीजर, बीट्स, बेल्स, 2 राउंड शेप की रिंग 5 इंच की, 2 राउंड शेप की रिंग 8 इंच की, 1 राउंड शेप की रिंग 2 इंच की। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसे बनाने के लिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 8 पिंक कलर की कोट लेंगे जिनकी साइज़ है 2.5 मीटर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8, टोटल 8 पिंक कलर की कोट्स यहाँ पर हमने लिए। और ये 2 इंच की जो ये राउंड शेप की रिंग है इसके अंदर से हम ये सभी कोट को ऐसे निकाल देंगे। तो ये 2.5 मीटर की सभी कोट्स इस तरीके से निकाल देने के बाद अब हम ये सभी कोट को अटैच करेंगे। तो इसे अटैच करने के लिए यहाँ पर हम 1 मीटर की ग्रीन कलर की कोट लेंगे, डार्क ग्रीन कलर, इस तरीके का ग्रीन कलर की कोट है, और इसे हम ऐसे पहले नीचे रख देंगे। और फिर इसके बाद जो है हम ये राइट हैंड साइड वाली कोट को ऐसे लेफ्ट से निकाल देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाली कोट को ऐसे राइट से निकाल देंगे। ऐसा 2 टाइम्स करेंगे तब जाकर एक सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगी। अब हम ऐसे ही कंटिन्यूसली बस ऐसे ही करते जाएंगे और ये नोट्स को बनाते जाएंगे। तो इससे जो है सभी पिंक कलर की कोट अटैच भी हो जाएंगी। और ऐसे ही हम कम से कम यहाँ पर जो है 5 से 6 टाइम इसी तरीके से ही सिंपल बेसिक नोट बनाते जाएंगे ये ग्रीन कलर की कोट में। और जो लास्ट एंड में इसकी जो कोट बचेंगी उसे हम कट करके लाइटर की हेल्प से इन्हें पीछे की तरफ अच्छी तरीके से स्टिक कर देंगे ये ग्रीन कलर की कोट को। अब देखिए अब जो है यहाँ पर हम 4 कोट लेंगे। तो ये हमने पिंक कलर की जो है 4 कोट ले ली। अब हम इसके बाद सेंटर की 2 कोट को ऐसे रखेंगे, और जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाली ये जो एक एक कोट है इन्हें ही हम बस घुमाते जाएंगे। तो बस जैसा मैंने आपको पहले बताया था सिंपल बेसिक नोट्स को बनाने का तरीका, तो वैसे हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो ये जो राइट हैंड साइड वाली कोट है उसे ऐसे लेफ्ट से निकाल दिया, और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली कोट को ये देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड से हमने निकाल दिया। तो ऐसे ही बस हमको कंटिन्यूसली करते जाना है और ये नोट्स को बनाते जाना है। और साथ में हम इनके बीच में जो है ग्रीन कलर के ये काटा बीट्स को भी अटैच हम करेंगे। इसमें आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि जितने नोट्स आप इस साइड बना रहे हैं उतने ही नोट्स आपको दूसरे जो जितने भी पार्ट्स बनेंगे वहाँ पर भी नहीं बनाना है। तो अभी हमने जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल बेसिक नोट्स को बना दिया है। अब हम यही तरीका जो है बाकी की जितने भी कोट बची है उनके ये जितने भी पार्ट्स बनेंगे वहाँ पर भी हम ऐसे 3 नोट्स ही बनाएंगे और फिर बीट्स को अटैच करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि कभी ज़्यादा नोट्स बना रहे दूसरी साइड में कम, ऐसा नहीं करना है। एक ही साइज़ में दिखे बीट्स भी और नोट्स भी, तो इसी वजह से ही हम इक्वल साइज़ ही इसके रखेंगे। तो ये देखिए हमने बीट्स को रखा सेंटर की 2 कोट में, और फिर जो इसके कोने वाली ये जो एक एक कोट है इसको घुमा कर हमने ये नोट्स को यहाँ पर बना दिया। तो ये देखिए बीट्स को अटैच करने के बाद फिर इसके नीचे भी हम यहाँ पर 3 नोट्स ही बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 3 नोट्स यहाँ पर हमने बना दिए। फिर दोबारा फिर से हम यहाँ पर बीट्स को अटैच कर देंगे। ऐसे ही करते हुए यहाँ पर हम टोटल 3 काटा बीट्स को इसमें अटैच करेंगे। और अब जो बाकी की जितने भी कोट बचे हैं उनकी हम 4 कोट लेकर सेम ऐसे यही डिज़ाइन को बना देंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3 और ये 4, टोटल 4 पार्ट्स जो है इसके बना दिए हैं। अब हम इसके बाद जो है 5 इंच की राउंड शेप की रिंग को इसमें अटैच हम कर देंगे। तो इसे अटैच करने के लिए ऐसे ही रिंग को ऊपर रखना है कोर्ड्स के ऊपर, और फिर नीचे से एक कोर्ड को लेना है और रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स जो है एक ही कोर्ड को हमको निकालना है। तो ये देखिए एक कोर्ड हमने ली, ये फर्स्ट टाइम, और यही सेकेंड टाइम हमने ये निकाल लिया। अब फिर से नीचे से कोर्ड ली और ये फर्स्ट टाइम हमने कोर्ड को निकाला, और अब हम यही कोर्ड को ये सेकेंड टाइम यहाँ से भी निकाल दिया। अब हम ऐसे वन बाय वन करते हुए एक एक कोर्ड को लेते जाएंगे और रिंग में अटैच करते जाएंगे। अब देखिए अब जो ये इनके ये जो गैप है वहाँ पर हम एक्स्ट्रा ही कोर्ड्स को अटैच करेंगे। तो ये जितने भी गैप है वहाँ पर हम 4-4 कोर्ड्स को अटैच करेंगे। टोटल ऐसे करते हुए टोटल 16 कोर्ड्स हम यहाँ पर एक्स्ट्रा की इसमें अटैच करेंगे। सबकी साइज़ है 2 मीटर, तो 2 मीटर की सभी 16 कोर्ड्स को हर एक गैप में 4-4 करते हुए अटैच करना है। और देखिए जैसे हम एक कोर्ड को अटैच करेंगे वैसे ही हम इसे 1-1 टाइम्स दोनों ही साइड से एक एक बार और निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो है ये कोर्ड को हमने ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे निकाल दिया, और ये जो राइट हैंड साइड वाली कोर्ड है इसे राइट हैंड साइड की तरफ से ऐसा एक एक बार दोनों ही साइड से हमने एक एक बार और निकाल दिया। तो ऐसे ही हमको बाकी की कोर्ड्स को भी अटैच करना है। अटैच करने के बाद दोनों ही साइड से एक एक बार और निकालना है कोर्ड को। तो देखिए हमने ये 4 कोर्ड्स एक पार्ट से जो एक गैप था वहाँ पर हमने अटैच कर दी है। अब ये दूसरे और ये तीसरे और ये चौथे गैप में भी हम ऐसे ही 4-4 कोर्ड्स को अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पूरे ही राउंड में कोर्ड्स को यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हम इसके बाद जो है 2 कोर्ड लेंगे। 2 कोर्ड लेकर हम यहाँ पर 2-2 काटा बीट्स 2-2 काटा बीट्स को ऐसे ही रख देंगे। तो 2 कोर्ड्स में 2 बीट्स को हमको यहाँ पर रखना है, और ऐसा हम पूरे ही राउंड में यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए अब हम इसके बाद जो बीट्स को इस तरीके से रखने के बाद अब हम 5 इंच की राउंड शेप की रिंग को इसमें अटैच हम यहाँ पर कर देंगे। और इसे अटैच करने के लिए रिंग को सभी कोर्ड के ऐसे ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से एक कोर्ड को लेंगे और रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया था रिंग को अटैच करने का, बस वैसे यहाँ पर भी हमको करना है। बस एक कोर्ड को 2-2 टाइम्स जो है निकालते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने रिंग को अच्छे तरीके से इसमें अटैच कर दिया है। अब हम इसके बाद जो है 4 कोर्ड लेंगे, और जैसा आप ये साइड में डिज़ाइन देख रहे हैं बस वही डिज़ाइन अब हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए जो है हमको एक ही साइड से जो है कोर्ड को निकालना पड़ेगा। तो जैसा सिंपल बेसिक नोट्स में हम दोनों ही साइड से कोर्ड को निकालते थे लेफ्ट और राइट हैंड साइड से, वैसा यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लेफ्ट हैंड साइड वाली कोर्ड को राइट हैंड साइड की तरफ से बस निकालते जाएंगे। तो एक ही साइड से बस ऐसे कंटिन्यूसली हम ऐसे ही करते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाली कोर्ड को बस राइट हैंड साइड की तरफ रखा और ऐसे निकाल दिया। तो ऐसे ही बस करते जाना है। तो जब हम ये ऐसे ही करते जाएंगे तो जो डिज़ाइन है वो अपने आप ही ऐसे घूम जाएंगे। तो अपने आप
ही ऐसे घूम जाने के बाद जो है हम यहाँ पर कम से कम ये इतना एक पार्ट इसका ऐसा घूमेगा, तो फिर उसके बाद ही हम बीट्स को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो जो सेंटर के दो कोड है वहाँ पर हम बीट्स को ऐसे रखेंगे, और फिर उसके बाद जो है सेम वही तरीका जिसे पहले यूज़ कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड वाले कोड को राइट हैंड साइड से निकालने का, बस वैसे ही हम बस करते जाएंगे। और जो यहाँ पर जो बाकी के कोड्स है वहाँ पर भी हम सेम ऐसे तरीका यूज़ करेंगे। फोर कोड लेकर हमको बस यही डिज़ाइन को पूरे ही राउंड में बना देना है। और देखिए सेंटर में इस तरीके से हम बीट्स को भी यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने पूरे ही राउंड में डिज़ाइन को बना दिया है, अब हम इसके बाद जो है 8 इंच की राउंड शेप की रिंग को इसमें अटैच कर देंगे। तो ये 8 इंच की राउंड शेप की रिंग को अटैच करने के लिए इस रिंग को ऐसे कोड्स के ऊपर रखना है, और फिर नीचे से जो है एक कोड को लेना है। और ये देखिए फर्स्ट टाइम निकाला हमने, फिर ये सेकेंड टाइम ऐसे एक कोड को निकाला, और फिर ऐसे करते हुए फिर से एक कोड लेते जाएंगे वन बाय वन करते हुए। फिर ऐसे करेंगे फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम ऐसे ऐसे करते हुए हम 2 टाइम्स ही एक कोड को निकाल देंगे। कि यहाँ पर जो हमने सभी कोड को इस रिंग में अटैच कर दिया है, अब हम एक्स्ट्रा की कोड लेंगे और ऐसे टोटल एक्स्ट्रा की 12 कोड्स लेंगे जिनकी साइज़ है 1.5 मीटर। और ये 12 कोड्स को अटैच हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें जो एक एक गैप जहाँ आप देख रहे वहाँ पर एक एक गैप में एक ही कोड हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए एक गैप था, यहाँ पर एक कोड हमने अटैच करी, फिर दूसरा गैप है वहाँ पर भी एक कोड ही ऐसे अटैच करते जाएंगे, और ऐसे ही टोटल 12 कोड्स हम यहाँ पर अटैच करेंगे 1.5 मीटर की। और देखिए जैसे हम इसे अटैच करेंगे वैसे इसे हम 1-1 टाइम्स दोनों ही साइड से एक एक बार और निकाल देंगे। देखिए ये जो है सभी कोड एक्स्ट्रा के अटैच कर देने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12 टोटल यहाँ पर जो है 12 कोड्स लेंगे। और 12 कोड्स के बेस पर अब हम जो है ये डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। तो ये जो 12 कोड्स है इनको हम ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए 4 कोड्स दोनों ही साइड और सेंटर में 4 कोड्स, और ऊपर आप देख सकते हैं ये जो नोट्स है ऊपर की उनके ठीक नीचे वाली हमने 4 कोड्स ऐसे सेंटर की तरफ रखी है, और दूसरी साइड में भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने 12 कोड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। और अब इसके बाद हम नोट्स को बनाएंगे, सिंपल बेसिक नोट्स को। तो ये जो तरीका मैंने आपको इसलिए बताया ताकि ऊपर की जो नोट्स है उसको ध्यान में रखते हुए ये कोड्स को ऐसे रखा जाए ताकि डिज़ाइन भी हमारे अच्छे से दिखे। तो अब जो इसके बाद जो कॉर्नर साइड में हम ऐसे एक एक कोड को यहाँ पर दो दो कोड को हम ऐसे छोड़ देंगे, और जो सेंटर की कोड बचेंगे सेंटर की तरफ से हम सिंपल बेसिक नोट्स को बनाएंगे। तो कॉर्नर के पहले 2 कोड को छोड़कर फिर जो 4 कोड रहेंगी उसको हम लेकर यहाँ पर सिंपल बेसिक नोट्स इस तरीके से बनाएंगे। सेंटर की 2 कोड को ऐसे रखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली कोड है उसे ही हम घुमाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ऐसा हमको 2 टाइम्स करना है तब जाकर एक नोट इसमें बन पाएंगी। और ये जो सिंपल बेसिक नोट्स को बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसी के
हिसाब से हमको यहाँ पर भी ये नोट्स को ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पर हम दो सिंपल बेसिक नोट्स अभी सेंटर में हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब हम इसके बाद जो ये दोनों ही नोट के ऐसे जो कॉर्नर की जो दो दो कोड है उसको हम लेंगे तो इससे टोटल फोर कोड हो जाएंगी। और फोर कोड हो जाने के बाद जो सेंटर की ये जो दो कोड रहेंगी वहाँ पर हम बीट्स को पहले ऐसे ही रख देंगे। और रखने के बाद जो है हमको इनके जो साइड के जो एक एक कोड है बस उसे ही हमको घुमाते जाना है और ये नोट्स को जो है इसमें बनाते जाना है। तो ये बीट्स के ठीक नीचे जो है हम एक सिंपल बेसिक नोट्स को यहाँ पर बना देंगे। देखिए यहाँ पर हमने दो नोट बनाए, फिर बीट्स को अटैच करा, फिर नीचे एक नोट को यहाँ पर हमने बना दिया। और जो कॉर्नर साइड में हमने दो दो कोड जो छोड़ दी थी उसको हम लेंगे और ऐसे ऊपर रख कर ये बाकी की जितने भी सेंटर वाले कोड है उसके ऊपर रख कर नीचे से एक कोड को लेंगे और ये जो ऊपर रखी हुई कोड है उसके ऊपर से देखिए फर्स्ट टाइम और फिर यही कोड को सेकेंड टाइम। तो एक ही कोड को नीचे से लेकर टू टाइम्स निकाल देंगे ऊपर से, तो तब जाकर जो है ये पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। तो ये जो तरीका था पाइपिंग बनाने का था, अब हम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों ही साइड में से ऐसे ही पाइपिंग को बना देंगे। अब देखिए अब जो है अब हम इसके बाद एक्स्ट्रा की सिक्स ग्रीन कलर की कोड लेंगे जिनकी साइज रहेंगी 1 मीटर। तो ये एक्स्ट्रा की कोड है और इसे अटैच करने के लिए जैसे ये नोट्स वाली जो डिज़ाइन है ये बन जाने के बाद जो उनके जो कॉर्नर वाला पार्ट रहेगा लेफ्ट और राइट का वहाँ पर हम ग्रीन कलर की कोड को अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉर्नर साइड में ये एक एक ग्रीन कलर की कोड को अटैच यहाँ पर हमने कर दिया है। अब हम इसके बाद जो एक ग्रीन कलर की कोड है इसकी हम यहाँ पर पाइपिंग को बनाएंगे। तो इसकी पाइपिंग को बनाने के लिए ये जो ग्रीन कलर की कोड रहेंगी उसे हमको जो है पिंक कलर की कोड के नीचे रखना है और फिर नीचे रख कर ऐसे पिंक कलर की कोड के ऊपर से टू टाइम्स निकालना है हमको। तो देखिए फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम। तो जिस कलर की कोट की भी पाइपिंग हमको चाहिए रहती है उस कलर की कोट को हमेशा नीचे रखा जाता है फिर उसे टू टाइम्स जो है निकाला जाता है। तो अभी हमको ग्रीन कलर की कोट की पाइपिंग चाहिए इसलिए हम इसकी जो कोट है उसको हम पिंक कलर की कोट के नीचे रखकर ऐसा टू टाइम्स निकालेंगे ताकि ये ग्रीन कलर की कोट की पाइपिंग इसमें बन पाए। और अब जो है ऐसा हम लेफ्ट हैंड साइड पर करेंगे और राइट हैंड साइड पर करेंगे।
तो देखिए ये ग्रीन कलर की कोट की पाइपिंग हमने यहाँ पर बना दी। अब हम इसके बाद जो है पिंक कलर की कोट की पाइपिंग को ऐसे ही सिंपली बना देंगे। तो देखिए ग्रीन कलर की कोट को हमने यूज़ नहीं करा है ये पाइपिंग में, तो जो डायरेक्टली जो पिंक कलर की कोट है वही से ही स्टार्ट करेंगे इसके पाइपिंग को बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो हमने दोनों ही साइड में जो पिंक कलर की कोट की भी पाइपिंग यहाँ पर बना दी है। अब हम ऐसे ही पूरे ही राउंड में सेम यही डिज़ाइन को बनाएंगे, थ्री नोट्स बनाएंगे जिसमें सेंटर में एक बीट्स को अटैच करेंगे, फिर पिंक कलर की कोट की पाइपिंग, फिर ग्रीन कलर की कोट की पाइपिंग और फिर दोबारा फिर से पिंक कलर की कोट की पाइपिंग, और ऐसा ट्रायंगल का शेप देकर पूरे ही राउंड में यही डिज़ाइन को हमको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने पूरे ही राउंड में डिज़ाइन को बना दिया है, और आप नीचे साइड में देख सकते हमने ये ग्रीन कलर की जो कोट है उसको ज्वाइन नहीं करा, इतना थोड़ा सा स्पेस हमने रखा है। अब हम इसके बाद जो है 8 इंच के राउंड शेप की रिंग को इसमें अटैच करेंगे, और इसे अटैच करने के लिए ये जो रिंग है इनको ऐसे कोट के ऊपर रख कर फिर नीचे से एक कोट लेकर रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकाल कर जो ही रिंग को इसमें अटैच करना है, जैसे हमने पहले रिंग को अटैच किया था बस वैसे यहाँ पर भी हमको अटैच करना है। तो देखिए अब जो है यहाँ पर हमने ग्रीन कलर की कोट की जो पाइपिंग है उसको यहाँ तक ऐसा बढ़ा दिया है, और फिर इसके बाद जो इसके कोट बचेंगी उसे हम कट करके पीछे लाइटर की हेल्प से ऐसे स्टिक कर देंगे, और फिर ऐसे हमको पूरे ही राउंड में करना है, और फिर इसके बाद जितने भी पिंक कलर की कोट बचेंगे से उन्हीं को ही ये रिंग में अटैच हमको यहाँ पर करना है, और जो ग्रीन कलर की कोट है उसको तो हम काट के पीछे स्टिक कर ही देंगे।
अब देखिए, अब जो यहाँ पर हम कोड को कट करेंगे, तो यहाँ पर हम एक कोड में जो है ऐसे बीट्स को रखें, काटा बीट्स को, फिर वही कोड में बेल्स को रखकर फिर इसकी ऐसे प्रॉपरली कट कर देंगे, इसकी कटिंग अच्छे तरीके से कर देंगे। और फिर वही की वही जो है हम यहाँ पर यही कोड को लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। अब हम बाकी की कोड भी सेम ऐसे ही तरीका यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम छोटी साइज कट करेंगे, फिर धीरे धीरे करते हुए थोड़ा थोड़ा सा साइज जो हमको इसका इंक्रीज करना है, और फिर सबसे जो लास्ट एंड की जो कोड रहेंगी सबसे बड़ी रहेंगी। तो स्मॉल साइज से बड़े बड़े करते हुए ऐसे कोड को हमको यहाँ पर कट कर देना है, और हर एक एक कोड में बीट्स और बेल्स को यहाँ पर अटैच हमको करना है। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर के काटा बीट्स और ग्रीन कलर के बेल्स को अटैच कर देंगे। और साथ में हमको इस बात का भी ध्यान देना है कि जैसे ही हमने एक कोड में ये बीट्स और बेल्स को अटैच करा, वैसे जस्ट इसके जो साइड वाली जो एक कोड रहेंगी उसे हम छोड़ देंगे, और फिर जो थर्ड नंबर की जो कोड रहेंगी फिर उसमें हम बीट्स और बेल्स को अटैच करेंगे। तो हर ये जो पूरे ही राउंड है वहाँ पर हमको सेम यही तरीका यूज़ करना है। एक कोड में जैसे अटैच करना है वैसे दूसरे कोड को छोड़ देना है। ये हम इसलिए करें ताकि इनके इनके जो बीच में यहाँ पर थोड़ा सा गेप रहे और अच्छी तरीके से डिज़ाइन दिख पाए। तो इसीलिए इनके जस्ट बाद में हमको कोड को इस तरीके से देखिए कट करना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, यहाँ पर जो भी कोड हम कट कर रहे हैं इन्हें लाइटर के हेल्प से हम पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे, और इस तरीके से जो यहाँ पर हमारे मैक्रम का जो मैप बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलरफुल है और सिंपल डिज़ाइन है। और कभी आपके पास ऐसे ही वेस्ट मैक्रम हो तो आप उसे भी इस तरीके से बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो कम मैक्रम में, कम टाइम में और इसी वे में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और कभी अभी आप मैक्रम बनाना सीख भी रहे होंगे तो भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए और इसे ज़रूर बनाइए, और अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल से कलरफुल मैक्रम झूमर के साथ। और साथ में कभी आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।